हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 8 जो कि जफना किंग और दम्बोला सिक्सर के बीच में मुकाबला होगा। पहले भी दोनों के बीच में टक्कर हो चुका है जिसमें जफना किंग बाजी मार के आ रही है। ये दोनों टीम 6 जुलाई को रंगीरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में फिर से आमने सामने होंगे। तो दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 74% और टेम्परेचर 25°C रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं जहाँ पे रंगीरी स्टेडियम पिच फास्ट बॉलर के लिए फेमस है। यहाँ पे स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है, उन्हें भी विकेट भी ज़्यादा मिलता है। स्पिनरों को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं है। रिकॉर्ड की भी देखें तो पेसर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलता है। बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 100% जीतने का चांस है तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 0% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 186 है तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 159 है। तो वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख ले जो कि जफना किंग 8 मैच जीत के आ रही तो वहीं पर दम्बोला सिक्सर 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम दम्बोला सिक्सर का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं, दोनों हार गए। टीम को यहाँ पे अपनी पहली जीत का इंतजार होगा। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी है, ओपनिंग में जो कि धनुष्का गुनाटका और कुशल परेरा खेल रहे हैं। परेरा ने लास्ट गेम में IPL का पहला शतक लगाया था। नंबर 3 पर जो कि एन फर्नांडो खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में मार्क चैंपियन विक्रम सिंघे अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। बॉलिंग में बात करेंगे जो कि टीम बिग टारगेट सेव नहीं कर पाई थी। टीम 4 पेसर 2 स्पिनर के साथ खेल रही है जहाँ पर नुआन तुषारा के अलावा आपको मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में अकेला धनंजय और मोहम्मद नबी बॉलिंग अटैक का हिस्सा है जहाँ पर मधुशंकर इस मैच में वापसी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दम्बोला सिक्सर का प्लेइंग 11 देखते हैं जो कि धनुष्का गुतनालिका है, कुशल परेरा, नवांडू फर्नांडो है, तौहीद डोई है, मार्क चैंपियन है, मोहम्मद नबी है, अकेला धनंजय, दिलशान मधुशंकर, नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान है, चमेंदू, विक्रम सिंघे है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि कुशल परेरा है, नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी जफना किंग का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। किंग के हार के बाद टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, फिर अगले मैच में टीम ने डम्बोला को हराया। लास्ट गेम में बैटिंग करते हुए टीम ने 192 रन इजली वे में चेस कर लिया। वहीं पर प्रथम निशांका इन कुशल मेंडिस टीम के लिए ओपन किया था। नंबर 4 पर जो कि इसका फर्नांडो ने 80 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में रायल रिश्वत के साथ कप्तान चाहिए था श्रीलंका को पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। वहीं पर श्रीलंका ने 50 रन बनाए थे। बॉलिंग में टीम ने 7 बॉलिंग ट्राई किए हैं, सभी बॉलर बहुत महंगे भी रहे। ऑस्ट्रेलिया के जेसन बैंडे आज तुल्ला पेस अटैक को लीड कर रहे हैं। वहीं पर सीता फर्नांडो और फैव एलन को विकेट नहीं मिल रहा जहां पर विजय कांत व्यास कांत और धनंजय देसिल्वा जो टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब बात करते हैं जफना किंग का प्लेइंग 11 देखते हैं जो कि प्रथम निशांका है, कुशल मेंडिस है, इसका फर्नांडो, रायली रिसु है, शहीद श्रीलंका, धनंजय देसिल्वा है, फैवियन एलन है, अजमतुल्ला मुर्जा या जैसन बैंडफ है, विजय कांत व्यास कांत और सीता फर्नांडो। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि चाहिए श्रीलंका, इसका फर्नांडो और फैव एलन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। जाफना टूर्नामेंट की सबसे टॉप टीम है, टीम के पास अधिक अनुभवी प्लेयर भी है, वे बहुत मजबूत देख रहे हैं। हालांकि दम्बोला के पास भी पिछले सीजन का स्टार बैटर्स की कमी, फिर भी उनके पास कुछ अच्छे बॉलर है। जाफना के पास इस मुकाबले में लीड है और जिसको देखते हो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जाफना किंग विनर होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।